कोलकाता के लिए लोड हो गया दोस्तों गाड़ी फाइनली हमारा। अब देखते हैं कि कैसे जाएंगे, क्योंकि हेल्पर तो है नहीं और आज नहीं कल का डेट है। प्लीज वीडियो पूरा देखें। हेलो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, आप लोग पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि ड्राइवर का जिंदगी जो होता है इतना आसान नहीं है, कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। मान लीजिए एक तो हेल्पर नहीं मिल रहा है अभी के डेट में, उसके बाद हर चीज आपको अकेले ही करना है। टायर पंचर हो जाए या रात में कोई भी प्रॉब्लम हो, लॉन्ग टूर चलना है तो हेल्पर जरूरी है। हेल्पर अभी मिल नहीं रहा है, देखा खोजा जा रहा है कि देखो हेल्पर मिलता है क्या होता है। आप लोग वीडियो प्लीज पूरा देखिए और लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देख सकते हैं वो पीछे जो दिखाई दे रहा है वहीं पर अभी नाश्ता किए हम, और ये रहा हमारा गाड़ी। जैसे कि फाइनली हमारा गाड़ी लोड हो गया है, कलकत्ता के लिए लोड हुआ है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये जो बेल्ट है, ये 5 पीस मारे हैं। ये बेल्ट जरूरी होता है क्योंकि हाइट माल है, तो गाड़ी हिलता उलता है तो रस्सी मान लीजिए ढीला अगर हो गया तो हमको अकेले हैं तो टाइट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हेल्पर तो है नहीं, इसीलिए बेल्ट मार देता है तो टेंशन नहीं रहता है। रात में लोड करके निकले दोस्तों, रात में लोड करने के बाद जब निकले तो सुबह में चलान वलान मिला, तेल उल डाले और 4-5 ठो टायर हमारा चेंज हुआ, आगे का पीछे हुआ, 2 पीस नया हाउसिंग का टायर लगा, स्टेपनी नहीं था स्टेपनी पे लगाए। अभी नहाए वहाए नहीं है, देख रहे हैं ऐसी हालत खराब हो गया, 2 दिन हो गया नहाए नहीं। अभी हमको कल का डेट मिला है, कल हमको पहुँचाना है जाकर कलकत्ता में, कल तक शाम को पहुँचाना है। 650 किलोमीटर है यहाँ से, तो आगे जा रहे हैं होटल में किसी में नहाएंगे और चलेंगे। आज दिन भर रात भर गाड़ी चलाना पड़ेगा, कल दिन भर तब जाके हम पहुंच पाएंगे, अगर सो जाएंगे रात में तो नहीं पहुंच पाएंगे। कलकत्ता जाने में हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हर स्टेट का अलग नियम है, मैं आपको वीडियो में बताया भी था। और इस कलकत्ता में क्या प्रॉब्लम है कि सारा गाड़ी का तो कागज पत्र तो ओके रहता ही है, लेकिन वहाँ पे डांटा टैक्स ऑथोराइजेशन ये 2 चीज जो है एक्स्ट्रा लगता है, तो हमारे गाड़ी में अभी बना नहीं है क्योंकि इसका जो परमिट है वो खत्म होने वाला है 1 महीने में। तो मालिक बोला है कि अगले महीने में जब खत्म हो रहा है, नया जब बनेगा तो उसी वक्त डांटा टैक्स हम बनवा देंगे, तो पूरा परमिट जब तक रहता है तब तक एक ही बार में बन जाता है। मैं खाना भी नहीं मिला कंपनी के अंदर, होटल कंटिन्यू तो रहता नहीं, 11 बजे हम जब अंदर से निकले तब तक बंद हो गया था। और यहीं पर नाश्ता कर लिए, आगे जब नहाए आएंगे तो वहां पर खाना वाना खा लेंगे। लेकिन दिक्कत है कि हेल्पर अगर हो तो उतना दिक्कत नहीं रहता है, हेल्पर नहीं मिल रहा है अभी तो अकेले थोड़ा परेशानी उठाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई अगर दिक्कत हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, आपको बीच में तबीयत भी खराब हो जा रहा है या टायर पंचर हो गया तो अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा, हेल्पर तो है नहीं। लॉन्ग टूर चलना है दोस्तों तो हेल्पर जरूरी है, हेल्पर रहना चाहिए, गाड़ी का टायर टूर सब ओके हो तो ज्यादा परेशानी नहीं रहता है। और कागज पत्र भी ओके रखना चाहिए, कागज पत्र तो ओके सब है ही है, लेकिन उस कलकत्ता में जाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि आपको ऑथोराइजेशन बनवाना पड़ेगा। ऑथोराइजेशन मान लीजिए कि वो बन जाएगा, 1-1.5 घंटा लगेगा बन जाएगा, लेकिन डांटा टैक्स ये आप 1 महीना का अगर टाइम है तो 1 महीने के लिए कटिएगा तो 7,000-8,000 रुपया आपका वेस्ट हो जाएगा। ऐसे 1-2 साल पेपर में रहता है डेट आपका परमिट में, तो एक बार काटिएगा तो उतना दिन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहता है। इसीलिए मालिक थोड़ा काटने में सोच रहा है कि क्या करें, काटे कि ना काटे। हम बोले चलो छोड़ो, इस बार जाते हैं, थोड़ा पुलिस खर्चा ज्यादा लगेगा और क्या, देखा जाएगा।